पर्यटन नगरी धर्मशाला में पर्यटक इसकी सुंदरता को टैक्सी के साइट सीन के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी निहार सकेंगे। पर्यटक नगरी धर्मशाला में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर जॉय राइड करवाई जाएगी। हेलीकॉप्टर सिद्धवाड़ी के जोरावर मैदान से उड़ान भरकर मैक्लोडगंज, बागसू, डल झील, इंद्रुनाग, धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान सहित धर्मशाला की दौलादार की पहाड़ियों का साइट सीन करवाएगा। धर्मशाला में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर की जॉय राइडिंग शुरू करने को लेकर कॉन्ग एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इसी माह की शुरुआत में कंपनी सिद्धवाड़ी जोरावर मैदान में हेलीकॉप्टर बेस हेलीकॉप्टर जॉय राइडिंग शुरू करेंगी। धर्मशाला में हेलीकॉप्टर से जॉय राइडिंग शुरू होते ही पर्यटक बहुत कम समय में पूरे शहर को देख सकेंगे, साथ ही दौलादार की पहाड़ियों को भी निहार सकेंगे। कॉन्ग एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिन में 7 घंटे हवा में उड़कर पर्यटकों को हेलीकॉप्टर जॉय राइड करवाएगी। इसके लिए न्यूनतम किराया 2600 रुपए प्रति सीट निर्धारित किया गया है। नगर निगम धर्मशाला के महापौर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला को कॉन्ग एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए जो NOC मांगी थी वो जिला प्रशासन की तरफ से आई थी, तो उन्होंने NOC कंपनी को दे दी है और बहुत जल्द अब धर्मशाला घूमने आए पर्यटक धर्मशाला के विभिन्न पर्यटक स्थलों जैसे मैक्लोडगंज, बागसूनाग, डल झील, इंद्रुनाग, धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान सहित धर्मशाला की दौलादार की पहाड़ियों का साइट सीन कर सकेंगे। इससे धर्मशाला के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नाचन हल्के के दियागरी में हाटेश्वरी माता के मेले के उपलक्ष्य पर चिन कमेटी द्वारा महादंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त गोपाल चंद जयराल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दंगल की शुरुआत अखाड़े की पूजा अर्चना कर छोटे छोटे पहलवानों से की गई। दंगल में ढोल की थाप पर पहलवानों ने अपने दाव पेच लगाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करवाया। दंगल की छोटी माली दवाला अखाड़ा के पहलवान मुकेश ने जीती, जबकि तलवाड़ी सुंदर नगर के तिलक उपजेता रहे। बड़ी माली के लिए मुकाबला जीरकपुर के पहलवान सुनील व चंडीगढ़ के अमित के बीच हुआ। इसमें जीरकपुर के सुनील ने चंडीगढ़ के अमित को पटखानी देकर बड़ी माली पर कब्जा किया। दंगल में करीब 250 पहलवानों ने जोर अजमाइश की। मुख्य अतिथि गोपाल चंद व छिंज कमेटी के प्रधान KC कौशल ने संयुक्त रूप से बड़ी माली के विजेता पहलवान सुनील को 25,000 रुपए व गुरस तथा उप विजेता अमित को 21,000 रुपए व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं छोटी माली के विजेता मुकेश को 11,000 व गुरुज तथा उप विजेता तिल को 9,000 व स्मृति चिन्ह दंगल की शोभा यात्रा की अगुवाई। हाटेश्वरी छिंज कमेटी के प्रधान कृष्ण कौशल ने की। इस अवसर पर लाल सिंह कौशल, हाटेश्वरी मंदिर कमेटी के प्रधान नंदलाल ठाकुर, हंसराज गोस्वामी, सलवान पंचायत के प्रधान पंकज चौधरी, सिद्धूराम भारद्वाज, राकेश कौशल, आयोजक कमेटी के प्रधान कृष्ण कौशल, उप प्रधान यादव व्रत कौशल, महासचिव शिवलाल सुशील सहित अन्य मौजूद रहे। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में जारी अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सुदेशा क्लब दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच खेला गया और इस रोमांचपूर्ण मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। सुदेशा क्लब दिल्ली की टीम ने पंजाब पुलिस की टीम को इस कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया।
प्रतियोगिता के समापन समारोह में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीमों को चमचमाती ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में एडीएम मंडी श्रवण मांडा ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जिला में फुटबॉल खेल को बढ़ावा मिलेगा और एकेडमी के माध्यम से नए युवा खिलाड़ी उभरकर सामने आएंगे जो देश और प्रदेश के लिए खेलेंगे। वही प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए एएम तिवारी ने बताया कि फाइनल मुकाबले में सुदेशा क्लब दिल्ली ने पंजाब पुलिस को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट में देश के नाम फुटबॉल क्लबों के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सुदेशा क्लब ने पंजाब पुलिस को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता अपने नाम की। ईडीएमडी श्रवण मांडा ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी से सम्मानित किया।